अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो है परफ्यूम कलेक्शन जो है वो दिखाऊंगी, और आपको ये बताऊंगी कि ब्रीफली बताऊंगी कि इन परफ्यूम की फ्रेग्रेंस कैसी है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह परफ्यूम्स हैं, और ये कुछ सील अभी हैं। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है टोटल कितने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो आपको पता चल रहा है, ये आपको रोल ऑन, ये बॉडी स्प्रे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बॉडी स्प्रे है ना, इस बॉडी स्प्रे का परफ्यूम भी अवेलेबल है, बट वो अभी तक मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। होपफुली वो भी एक दिन, एक ना एक दिन आ जाएगा। लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस ज़बरदस्त है, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट परफ्यूम है। मतलब कि वन ऑफ फेवरेट फ्रेग्रेंस। अगर इसके परफ्यूम मेरे पास होता तो मैं कहती कि ये मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम है। तो हम बात करते हैं इसकी। ये मिस लेडी परफ्यूम है, और ये मेरा पहला परफ्यूम है। पहला 2018 दिसंबर में मुझे ये मिला था। मैंने ये सेल्स एक्शन में विन किया था, बस उसके बाद से जो है ये मेरे पास लाइन लग गई। ये डिवाइन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत यूनिक इसकी फ्रेग्रेंस है। डिवाइन, जैसे कि इसके नेम से ही सजेस्ट है। ये मुझे लॉयल्टी ऑफर में मिला था, साथ में इसकी बॉडी क्रीम भी है। ये है हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। ये मे बी मेड इन फ्रांस है, और ये मुझे सेल्स एक्शन में मिला था। इसकी फ्रेग्रेंस एक फ्लोरल टाइप है, ज़्यादा फ्लोरल नहीं है, बट बहुत प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस है। और ये मैं बहुत कहीं ख़ास जगह पे जाना हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसके पीछे जो है ये प्योर फ्लोरल फ्रेग्रेंस वाले हैं। ठीक है, ये इनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइट है। ये वुमेन्स कलेक्शन में है। वाइट लिलक, इसकी फ्रेग्रेंस वाइट लिलक की तरह है बिल्कुल। और ये चेरी ब्लॉसम है, बिल्कुल स्वीट सा सॉफ्ट से परफ्यूम है। लाइट फ्रेग्रेंस जिनको पसंद है तो उनके लिए ये परफ्यूम जो है बेस्ट है। ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है, ज़्यादा शार्प नहीं है। ठीक है, हर कोई इसको पसंद कर सकता है। सेम इसी तरह कि ये भी नॉर्मल कैटेगरी में आता है, ज़्यादा शार्प नहीं है, और हर कोई इसको पसंद कर सकता है। ये आ गया इक्लैट। एक ये इक्लैट है, और एक ये इक्लैट है फेमे। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं। इसमें मेल भी है, जैसे कि आपको थोड़ा सा पर्पल सा इसका शेड नज़र आ रहा है, मेल में इसमें ग्रीन होगा। इसका मेल वाला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पर्सनली मेरा फेवरेट है। इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी कह लें कि नॉर्मली शार्प है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। लेकिन अगर मैं मेल का और इसमें कंपेरिजन करूँ तो मेल वाला मुझे ज़्यादा पसंद है। अब हम बात करते हैं सोफीवर की। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। सोफीवर फॉर हर, सोफीवर फॉर हिम भी है। सोफीवर जो हिम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे इसकी फ्रेग्रेंस जो है पर्सनली फेवरेट है। सोफीवर फॉर हिम जो है वो थोड़ा सा ज़रा मुझे शार्प लगता है, और ये ऐसा है कि ये भी सबको पसंद आ जाएगा। नॉर्मल कैटेगरी है ये, जिसको चाहिए हो ना कि बहुत अच्छे ब्रांड का परफ्यूम दें तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो प्राइस कॉन्शियस नहीं है, वो क्वालिटी कॉन्शियस है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस रहेगी इसकी। और ये भी बात करते हैं, इसका मुझे नेम नहीं याद। ये भी मेरे वन ऑफ कह लें कि फर्स्ट परफ्यूम्स में से है। सेकंड नंबर पे मुझे ये मिला था, और इसकी फ्रेग्रेंस शार्प है, थोड़ी सी शार्प कैटेगरी में आती है। जिसको थोड़ी सी शार्प फ्रेग्रेंस पसंद है, आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। अब ये है सोलर डिस्गाइज, सोलर ओनली सोलर। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइट है, ये एक नॉर्मल कैटेगरी का परफ्यूम है, बहुत अच्छा वाला नहीं है। इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, यानी कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये वाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला है, आप किसी को रिकमेंड करें तो बहुत, जिसको बहुत पावरफुल परफ्यूम चाहिए उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये नॉर्मल परफ्यूम की कैटेगरी में आता है। फ्रेग्रेंस इसकी भी यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है। और ये आ गया डिवन डिस्गाइज, ये मुझे मिला था एलसी में। दिस इज़ ऑसम, बहुत ऑसम है। इसकी हैंड क्रीम भी है। इस दफ़ा फेबररी 2000
2020 की फेबररी के सेल्स एक्शन में 100 बीपीस के साथ इसकी हेड इसकी क्रीम भी है, बहुत ज़बरदस्त है और ये भी बहुत हाई कैटेगरी में आता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमें ये लीडर्स गिफ्ट में मिला था तो इसकी कैटेगरी और लेवल कितना हाई होगा। बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक फ्रेगरेंस है। इसको लगाने के बाद आप ओरिफ्लेम के परफ्यूम के फ़ैन हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। एंड ये दिस इज़ फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, एक जोदानी गोल्ड, सोफीवर एंड ये दिस एक्लेट फेमे। ये तीन ऐसे परफ्यूम्स हैं। और अब जो एक बार नया भी परफ्यूम आया है एम्बर, वो भी बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी मेरे पास होगा। ये एक्लेट परफ्यूम है, ये 2018 में आया था एंड दिस इज़ ऑसम मोस्ट। जैसे ये आया था इसकी फ्रेगरेंस ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं चाहती थी कि अल्लाह करे बस ये जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। और क्या हुआ कि सेल्स एक्शन आया, सेल्स एक्शन में मुझे विन करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको विन भी किया। हाई लेवल का परफ्यूम है, किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं हाई लेवल के लिए या किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसको ये गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये आपके लिए वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ हाई लेवल परफ्यूम जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, ये वो परफ्यूम है। अब बात करते हैं इनकी, ये सील पैक है। सील पैक ऐसे हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको खोलने की। अब हम बात करते हैं ये मैस्कुरेट की। मैस्कुरेट की जो है बॉडी लोशन भी है और बॉडी लोशन ही अभी तक मैंने देखा है इसकी सेम एज जिसने इसकी बॉडी लोशन जो है वो यूज़ किया है और सेम इसकी वैसी ही फ्रेगरेंस है, बहुत लाइट फ्रेगरेंस है और लॉन्ग लास्टिंग है। अब ये हम बात करते हैं स्पार्कल इन पेरिस की। दिस इज़ वन ऑफ ऑसम क्वालिटी परफ्यूम एंड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। इसकी फ्रेगरेंस ऐसी है कि आपको ये मदहोश कर देगी, वो ऐसे कि जैसे कि इसके नेम से भी सजेस्ट है स्पार्कल इन पेरिस। जो इसको एक बार पर्सन लगाएगा ना, आप एक दफ़ा उसके उसको देखेंगे ज़रूर कि भाई वाकई इसने कोई चीज़ लगाई है या वाकई कोई फ्रेगरेंस है। वो इसलिए क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस इंतहाई यूनिक है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना तो बहुत ज़्यादा डिम है और ऐसी फ्रेगरेंस है कि सबको ही पसंद आए। कोई अच्छा परफ्यूम किसी को अगर आपने रिकमेंड करना है तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। ये आ गया है मिस जोदानी, ये रिसेंटली जो है आया है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी वन ऑफ आवर टॉप क्वालिटी परफ्यूम एंड अमेजिंगली जो है ऑसम है। इसकी बॉटल मैं किसी दिन आपको ओपन करके बिल्कुल जो है वो दिखाऊंगी। ये मैंने वैसे इसको स्मेल किया हुआ है और ये वाला जो है ना ये तो मेरी मदर का फेवरेट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त होगा। ये मेरी मामा सिर्फ यही यूज़ करती हैं, वो कहती हैं मुझे और कोई पसंद नहीं आया, मुझे बस ये पसंद आया। सो मिस जोदानी, इसका मिस्टर जोदानी भी है, मिस्टर जोदानी भी इसका ज़बरदस्त है एंड ये भी मिस जोदानी है। बेस्ट परफ्यूम फॉर कपल्स, मिस्टर जोदानी एंड मिस जोदानी। अच्छा अब हम बात करते हैं ईव की। ईव की फ्रेगरेंस लाइट है, लाइट है और थोड़ी सी शार्प, यानी कि लाइट में थोड़ी सी शार्प है। और इसमें भी ईव पैराडाइस एक है परफ्यूम फॉर जेंट्स, नहीं उसका नाम ही पैराडाइस है, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने फॉर हिम लेना है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी बॉटल बहुत ज़बरदस्त है, किसी दिन मैं आपको भी इसकी जो है अनबॉक्सिंग इसको करके दिखाऊंगी और इसकी मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ हर परफ्यूम की बारी बारी जो है मैं शेयर करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगे होंगे। मुझे परफ्यूम्स का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, मेरी कलेक्शन बनाने का शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम में आने के बाद मेरा ये शौक पूरा हुआ और पहले मेरे पास जो थे और ब्रांड के थे, यानी कि ओरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले भी मेरे पास कोई इसी तरह की जो है मेरी ड्रेसिंग टेबल पे या मेरी कबर्ड्स में ऐसे ही जो है लगे होते थे तो लेकिन वो कोई और ब्रांड के थे और नहीं कि ऐसे ही जो है वो लगे होते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ओरिफ्लेम यूज़ किया इसकी फ्रेगरेंस की मैं इतनी आदी हुई, इतनी मुझे पसंद आई कि मैंने वो सारे के सारे दे दिए थे। मुझे वो पसंद ही नहीं आते थे क्योंकि ये टॉप क्वालिटी ब्रांड है, इसका तेज़ से तेज़ परफ्यूम भी जो है ना आपको लाइट फील होगा। और अगर आप बाहर का या कोई और ब्रांड का लाइट से लाइट परफ्यूम भी आप लगाएंगे ना, वो भी आपको तेज़ जो है वो फील होगा और उसमें से एक अलहदा सी एक अजीब सी हमक सी आपको आएगी। जैसे यानी कि अगर आपने ओरिफ्लेम ब्रांड यूज़र ओरिफ्लेम
परफ्यूम यूज़र बन गए तो आपको ग्रंटेडली कोई और परफ्यूम जो है वो पसंद नहीं आएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो एंड मेरे परफ्यूम्स कलेक्शन जो है पसंद आए हो। मैंने इनको काउंट नहीं किया कितने हैं, आप मुझे काउंट करके कमेंट करें कि कितने परफ्यूम हैं। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।